नमस्कार दोस्तों, मैं तवरमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में। और आज यार दिल्ली में लगभग 45 से और 47 डिग्री के बीच तापमान होने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आज हम इसी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हमारे पास अंडे हैं और अंडे को हम धूप में छोड़ेंगे और फिर देखते हैं उनके साथ क्या होता है। और ये हम अलग अलग तरीके से करेंगे। एक अंडे को हम छोड़ेंगे कार की छत पर, एक अंडे को हम छोड़ेंगे पत्थर की सिल्ली या स्लैब पर, और तीसरे अंडे को हम छोड़ेंगे स्टील की एक प्लेट में। फिर उनको छोड़ देंगे गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो गाइस यार, ये आज की वेदर की टाइमलाइन है, कितना गर्म रहने वाला है दिन। और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। पहले यार हाथ लगा के देख लेते हैं, ये वाकई में गर्म है यार। अब अंडा फोड़ लेते हैं इस पर। ये सरफेस थोड़ा सा अनइवन है तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। अब चलते हैं अपनी स्टील की थाली की तरफ और इसमें डाल लेते हैं अंडा फोड़ कर। तो यार धूप में स्टील की प्लेट में तो डाल दिया है अंडे को। अब चलते हैं स्लैब की तरफ, पत्थर के टुकड़े की तरफ, और इस पर भी डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा यार स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा ये जो है बिखर भी गया। तो गाइस यार 20 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, जो कार पर हमने अंडा डाला था वो देख सकते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ा सा झुलस चुका है और सूख चुका है। और जो स्लैब पर डाला था उसको भी आप देख सकते हैं कि वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा सूख गया है। इसके बाद देख लेते हैं जो ये थोड़ा इंटैक्ट है जो कि स्टील की थाली में था। अब एक घंटे बाद यार देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ये जो कार पर डाला था बिल्कुल ही ज़्यादा ही कुछ सूख चुका है। इसका लिक्विड बिल्कुल ही इस गर्मी की वजह से उड़ गया है। और जो स्लैब पर था पत्थर की सिल्ली पर, वो तो बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें लिक्विड भी इसका पहले ही बह गया था। इसके बाद स्टील की थाली में देख लेते हैं यार। यार ये तो लग रहा है बिल्कुल ऑमलेट की तरह बन गया क्योंकि ये थोड़ा इंटैक्ट था और इकट्ठा था, इतना इधर उधर बहा या बिखरा नहीं था। तो अब इसको चाकू से निकाल कर देख लेते हैं। यार आप कमेंट से बताना कि ये आपको लग रहा है क्या बिल्कुल आमलेट की तरह। अभी एक घंटा ही हुआ इनको रखे हुए और ये इस थाली में चिपक गया है। अब इसको यार निकाल कर देख लेते हैं। तो यार आप देख सकते हैं कि आपको ये लग रहा है आमलेट की तरह। ऐसे आमलेट तो नहीं बन सकती। पर अब 1.5 घंटा हो गया, अब चेक कर लेते हैं कार वाले अंडे को। यार आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, जल सा गया है, झुलस गया है बिल्कुल ही, और थोड़ा सा रह गया है बिल्कुल। इसका जो पानी या लिक्विड था वो सारा उड़ चुका है। इसको खुरच के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है। आपको क्या लगता है, ये एक्चुअली पका नहीं है, ये सूख गया है। चलिए यार अब स्टील पे की जो प्लेट में रखा था उसको देख लेते हैं। आप तो देख सकते हैं बिल्कुल ये आमलेट की तरह ही लग रहा है। आमलेट तो आप इसको नहीं कह सकते लेकिन इतना ज़्यादा सूख गया बिल्कुल ही, देखिए चाकू से हटाने पर नहीं हट रहा है। गाइस आपको लग रहा है तो बताओ कि ये आमलेट की तरह है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे आमलेट बन सकती है। हाँ मानते हैं कि ये सूख तो गया है, हाथ लगाने पर भी आप देखिए बिल्कुल ही इसमें कोई भी लिक्विड रहा नहीं है इतना खास। और गाइस जो इस पत्थर की सिल्ली पर रखा हुआ था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जल करके। तो आप देख सकते हैं इसमें क्योंकि ये थोड़ा बह भी गया था तो ये सरफेस जो गर्म सरफेस था उसके
टच में ज़्यादा हुआ है। तो यार आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अंडे का आधे घंटे में ही सिचुएशन चेंज होने लग जाती है, और डेढ़ घंटे में कितना फ़र्क आ जाता है उसमें। आप एग्जैक्ट ये तो नहीं कह सकते कि ऑमलेट बन सकते, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क पड़ता है। तो देखा यार आपने अंडों के साथ अलग अलग जो हमने सिचुएशन में किया था उसके साथ क्या हुआ है। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं तो उनको भी जाकर चेकआउट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।